स्वयं सहायता समूह की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और इन स्वयं सहायता समूहों की आमदनी बढ़ाने के लिए शीघ्र ही इनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि ये समूह नए नए प्रोडक्ट तैयार करना सीख कर अपनी आमदनी को बढ़ा सके। ये बात विधायक अजय सोलंकी ने नाहन विधानसभा क्षेत्र के जमटा में दुर्गा अष्टमी पर आयोजित होने वाले 2 दिवसीय माता बाला सुंदरी मेला के समापन अवसर पर मीडिया से कही। इससे पूर्व उन्होंने जमटा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 7.5 लाख रुपए से निर्मित हे मेरा दुकान का उद्घाटन करने के साथ ही 5 लाख रुपए से निर्मित मल्टीपर्पज कम्युनिटी शेड कनोपी का उद्घाटन करने के उपरांत करीब 12 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पटवार भवन जमटा का शिलान्यास किया। निर्माण का शिलान्यास, इसमें अभी 12 लाख रुपए भी स्वीकृत हुए है, उसके अलावा भी कितना भी पैसा लगेगा उसको। मेरा शॉप जो स्वयं सहायता समूह की बहने हैं हमारी, उनके प्रोडक्ट्स के लिए, उनकी जो आमदनी बढ़ाने के लिए हिमीरा शॉप का निर्माण किया गया है। आज उसका उद्घाटन किया गया है, 7.5 लाख रुपए में वो बनकर तैयार हुई है।